नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर के सब्जी और पूरी बनाएंगे। पनीर के सब्जी बनाने के लिए 400 ग्राम पनीर लिए हैं और इसे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, कटी हुई धनिया पत्ता और कटी हुई लाल मिर्च। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सरसों तेल डाल के गर्म कर लिए है और इसमें पनीर डाल के 1 मिनट इसे भून के निकाल लेंगे और इसे चला लेंगे। एक मिनट इसे भून लिए है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तभी पनीर को फ्राई कर लिए है, अब इसी में और तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, हरा गरम मसाला, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। कटी हुई प्याज, सभी को चलाते हुए धीमी आंच पर कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज को भून लिए है, अब इसमें पीसी हुई अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ इसे अच्छी तरह से मिला के भून लिए, अब इसमें बाकी मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इसे चलाते हुए मसाला को तेल छोड़ने तक भून लेंगे। अब इसी मसाला में कटी हुई टमाटर डाल के इसे भी भूनेंगे। मसाला को तेल छोड़ने तक भून लिए है, अब इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा ग्रेवी रखना हो उसी हिसाब से डालें। अब ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी उबलने लगी है, अब इसमें पनीर डालेंगे। सभी पनीर को डाल दिए है, अब इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया डालेंगे। अब इसे ढक के धीमी आंच पर 5-6 मिनट पका लेंगे, तब तक पूरी तल लेते हैं। लोई बना के इसे बेल लेंगे। पूरी बेल लिए है, अब गरम तेल में इसे डालेंगे। इसे तेज आंच पर ही पूरी को तलेंगे और दोनों साइड उलट पुलट के इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पूरी को तल लेंगे। पनीर की सब्जी निकाल लिए है, पूरी तल लिए है, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।